गाइस यहाँ सोफे थे, सोफे हमने घर भेज दिए, नए रखे क्योंकि बार बार घर शिफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसलिए, और परेशान हो चुके हैं। अब खुद का घर लेंगे तब नए ही लेंगे। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि शहर में बाहर कौन पड़ी, किराया कौन पट्टे, तो उनको हम एक बात ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी हम शहर में ही हैं, हिसार में ही हैं, उतने ही किराए में अब मकान दिया है हमने फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ बात तो माननी पड़ी गाइस, भाई फील तो हिसार में चंडीगढ़ डलिया हुआ है, देख लियो चाहिए रोड देखो, यहाँ चंडीगढ़ है। ये रोड पर तो स्पेशली नेहरू उतरते ही फीलिंग आने लगती है, मतलब जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। मिट्टी का काम ही किया तो अपने डिजाइनिंग का, इसको मैं चलाऊंगी अच्छे से, इसके लिए चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी, पीछे नहीं हटूँगी। राम राम जी सबने, वेलकम बैक टू तनु बिश्नोई की ब्लॉग। आज आपको मिलेगी मेरी और मेरे भाई की जोड़ी, बहन भाई की जोड़ी। अभी हम रील शूट करने जा रहे हैं, दुपट्टा मैंने ले लिया जो कि लिया नहीं है, ये अपने किरा जो स्टूडियो है उसका नया डिज़ाइन है जो कि आपने पहले वाली वीडियो ब्लॉग में देख ही लिया होगा। वीडियो बनाने का टाइम आज मिला है, ये लेस मैंने इसके ऊपर लगवाई है, तो आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो किरा डिज़ाइनिंग स्टूडियो को, आगे भी प्यार देते रहना ठीक है। और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके आते रहेंगे। हल्दी की आउटफिट भी रेडी होके आ रही है क्योंकि शादियों का सीज़न हो गया है, तो हल्दी की आउटफिट भी अपन ने रेडी करवा ली है येलो कलर में, बहुत ही प्यारी आउटफिट बनवाएंगे। और उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो बताएंगे तो सूट को कर लगा है, हाँ ओके रिपोर्ट, बिंदी लगाना भूल गई, ओ माय गॉड शिट। चलो आज बिना बिंदी की वीडियो बना रही हैं, चलो देखो जी बात ऐसी है, डिज़ाइनिंग स्टूडियो वाले हैं तो जुगाड़ू तो होंगे ही, लिपस्टिक की बिंदी लगा ली मैंने तो बन गई नहीं बात। यार वो कलर कब तो जचड़ लग रही है, मतलब कस्टमर की है ये कलर ने बहुत ज़्यादा प्यार दे चुके है, दो थान वाले आगे लगवा चुके हैं, अब तक वीडियो कौन डाली भी हो, पहला ही थे सोच रहे हो, एक वीडियो डाली सिर्फ भी कस्टमर ऑन डिमांड ही कलर में रेडी करवाए एक सूट है, बिंगा 8 सूट जा चुके हैं जो थे आज ही सोचो भाई, पार्सल वगैरह की वीडियो बनाने को टाइम कौन मिले, रोज एक आधे यू पार्सल डले, कट्ठा पार्सल है जे जैसे डले ही कौन मिले, टाइम भी कौन मिले, और पढ़ना लेना होगी दिया यूनिवर्सिटी में आई हूँ भाई वीडियो शूट करने खातर वीडियो बनावा, और मन पतो है और डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा चाह ली क्योंकि वो थोड़ा हैवी में, जैसे देख सको थे जोड़ी के ऊपर की है, 3 लेयर बनवानी है मैं, और आज नीचे लटकन में खोली कोई दिक्कत को नहीं, मेरी प्यारी दोस्तों हम वीडियो बनाए आए और मेकअप थोड़ा सा किया था वो धुप गया। गाइज अगर आपको हल्का फुल्का वीडियो के लिए मेकअप करना हो ना तो मैं बताऊँ क्या लगाया करो, सिर्फ सनस्क्रीन, फिर मैं वाइट टोन का पाउडर लगाती हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी गाल लाल करती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ और ब्लशर से ही मैं ये कर लेती हूँ लाल, और फिर मेरा मुँह हो जाता है चकाचक वीडियो के लिए। ओके तो इन बार बहुत उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं भाई, जगह रैली हो रही है हिसार में एरिया जानते तो आपको बात करेंगे। ओके गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर में, चेंज करके नए कॉस्ट्यूम के साथ मिलेंगे, दुपट्टा रेडी मिल गया तो, नहीं मिला तो पता नहीं। तो गाइस अभी मैं आई हुई ये सूट रेडी करने ठीक है, ये हमने बनवाया नायरा कट जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है सूट है ठीक है, और इसके गले के ऊपर मैं ये लगा दूँगी तो ये थोड़ा डिज़ाइनर बना देंगे इसको, जैसे कुछ ऐसे ऐसे करके ओके और ये गला बिल्कुल हैवी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सुंदर सूट तैयार हो जाएगा ये, और ज़्यादा पेमेंट भी नहीं है गाइस इसकी, कि आप सोचते हो बहुत ज़्यादा महंगे देती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ज़्यादा नहीं बचाते, 100-200 रुपए मुश्किल से मार्जिन बचाते हैं, 200-300 रुपए आपको पता ही है इतना बचाएंगे, मेहनत करते हैं सीधी सी बात है,
तो अब आप इसको फटाफट रेडी कर देते हैं। ओके तो गाइस यहाँ एसी ठीक करवा रहे हैं वंस अगेन, और इधर वाईफाई का काम चल रहा है। जैसे कि कते ही देर में चाल जी भैया, हम पूरी वेट में और पूरी अडीक में बैठे हैं कि यहाँ वाईफाई चले और हम फटाफट नेट चलाएं, वीडियो पोस्ट करें। है ओ तो आई आई फिर बनाओ तो आगे आई बनाओ ही खतरा भी आगे बैठे देखो बस वही कुछ खिंडा खिंडाल है। अभी बनाएंगे चाय भाई के लिए, ये मोटा काकड़िया हमारे गांव का है भाई, और बाखड़ वो कच्चा खाना खा लियो, खड़ी कर गई है। और दिस इज मी भगवान, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर ली हुई, मैं पूजा करी है शाम की, तो मंदिर वगैरह सेट करियो आज आप। और अभी माँ मन दोहेड़ा कपड़ा ले यार दर दिया, ये मन समेटना है सारा, बहुत सारा थोड़ा को नहीं बहुत सारा, तिलक को कति पॉजिटिविटी आवे नहीं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, सुबह हो चुकी है। ओ माय गॉड शिट यार सो सॉरी, मड़ा घुमानी थी पहले, मुझे पूजा करना भूल गई, अक्सर होता ही है मेरे साथ। डालिए जीन्स, और ये इस घर में मिरर की बहुत ज़्यादा कमी खल रही है मुझे, तो मिरर लेके आना है यहाँ, ड्रेसिंग नहीं है, ड्रेसिंग अलमारी वगैरह में ही बना रखी है। इधर माता श्री कपड़े धो रही है, और ये हमारा मंदिर है, हम घुमा लेते हैं माड़ा, उसके बाद चलते हैं मार्केट, क्योंकि कल जो सूट डाला है उसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फैब्रिक लाना पड़ेगा गाइस। तो गाइस यहाँ सोफे थे, सोफे हमने घर भेज दिए, नहीं रखे क्योंकि बार बार घर शिफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसलिए, और परेशान हो चुके हैं, अब खुद का घर लेंगे तब नहीं लेंगे। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि शहर में पार कौन पड़ी, किराए कौन पट्टे, तो उनको हम एक बात ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी हम शहर में ही हैं, हिसार में ही हैं, उतने ही किराए में अब मकान लिया है हमने, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ हम ये प्रॉब्लम है, हम रेंट पे रहते हैं, क्यों हमारा गांव में खुद का मकान है, पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो पैसा है वो बिजनेस पे लगा रहे हैं, सीधी बात है। ठीक है मकान लेके छोड़ दूँगी यार 2-3 करोड़ का, और आना कुछ भी नहीं है, 2-3 करोड़ रुपए ब्याज पे भी देना इंसान तो उस ब्याज में ना पूरा खर्चा निकल जाता है ज़िंदगी का, और वो पूंजी की पूंजी रह जाती है, उस खर्चे में क्या है, उस ब्याज में आप कितना भी बड़ा और आलीशान घर ले सकते हो, समझ आ गई बात। तो मेरी आप लोगों जैसी सोच नहीं है, अभी मैं मेरे बिज़नेस पे ध्यान दे रही हूँ, और उसी के लिए मैं अभी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, और आज मैं अकेली जा रही हूँ, ये कुत्ता घर पे ही रहेगा। मुझे बाहर जाना है। कहाँ जाना है? जाना है कहीं पे। तो ये गाइस चलते हैं मार्केट की तरफ, और सुबह उठते ही क्या है 11 बजे खाना खाया नहीं है, चाय के साथ थोड़ा बहुत कुछ लिए हुए, ज़्यादा भी ले कौन सा क्या केक रहा, और ऑर्डर ज़्यादा है किसी के जल्दी में है भाई। गाइस ऑर्डर देते हो ना तो 3-4 दिन का टाइम भी दिया करो यार, मतलब बहुत ऐसे हैं जो मतलब अर्जेंट में दी, 2 दिन में चाहिए हिसार के आसपास के जितने भी हम खुद उठा लेंगे, 1-2 दिन का तो टाइम दिया करो। बताओ कैसे निकलवाएं, सारे टेलर बिजी होते हैं, सबके पास काम है, ठीक है ऑलरेडी इतने ऑर्डर दे रखे हैं उनको, ज़्यादा मामला वो हो जाता है मेरे लिए पेचीदा। तो कोई भी मेरी प्यारी बहन से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-4 दिन का टाइम ज़रूर दिया करो। ओके हाँ बात तो माननी पड़ी गाइस भाई, फील तो इस हार में चंडीगढ़ अड़िया हुआ, देख लो चाहिए रोड देखो, यहाँ चंडीगढ़ है, ये रोड पर तो स्पेशली नेहरू उतरते ही फीलिंग आने लग जाए भाई, हाँ चंडीगढ़ में आ गया। हाँ तो रियलिटी है भाई, हिसार चमकाया तो है, हिसार बिना मेरे कि जी कौन लगे, सच्चाई बताऊँ तो कोई कहती नहीं भाई, जयपुर में रहना तो भाई मेरा जी कौन लगे, जयपुर में कौन रही, चंडीगढ़ जा रही मैं 2 दिन में पुठी बाजी है, मैं बोले मर जाऊँ मैं तो, क्यों आवड़े कौन चंडीगढ़ भी हो आवड़ियो को नहीं, अति दूर दूर सिस्टम गली पे कुटीर कुन दे जे, अरे नहीं साधन और कटवाना पड़े, मेरा तो लफड़ हो जी यार भाई फालतू को, मैं तो भाई बाजी आई भी तू ऐसे एक्टर हूँ पैदल जानो, और वही कुत्ता मार दे फिरे सिस्टम, मतलब भाई जो भी है समझ गया, मन कौन था यही चंडीगढ़ मेरे को रही जो भी सीधी सी बात है भाई, मैं आईलेट्स पीटी करण गई बाहर जाने को, कई दिन तो मेरा भूत चढ़ी हो, फिर वो भूत उतर गयो, और आज पापा को नहीं तो मैं सोचूं कि बिल्कुल सही खतर उतरे हो, वरना के पता मैं टाइम पर कदे आ भी कौन पाऊँ, और
मेरी फैमिली से आगे भी बोल रहे पाऊँ मारे और पीछे भी बहुत ज़्यादा हेड़ा हो जाए। और भी चलना आप इत सारा वाली फीलिंग कौन आवे, इत दूसरे सेक्टर वाली फीलिंग आवे, चंडीगढ़ में दूसरा सेक्टर आवे नहीं, नेहरू कॉलेज तो ही बढ़िया फीलिंग आवे भाई। गाइस सबसे बड़ी बसड़ ये हो गई कि जिस सूट के ऑर्डर आए हैं, जो कल मैंने डाला है, ग्रे ग्रे कलर का है, फैब्रिक नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बुटीक वालों को, सबसे बड़ी, और फैब्रिक नहीं मिला। क्लॉथ मार्केट में देखती हूँ, ये बोलते हैं ना असली वाले लग गए, 5-6 ऑर्डर हैं और सब लेट होंगे, चाहिए जल्दी वाले, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सो सॉरी, क्योंकि फैब्रिक आउट ऑफ स्टॉक है ऑलरेडी, 2 बार वो थान ला चुकी हूँ और दोनों बार निकल गया, तो बताओ मैं क्या करूँ, सो सॉरी। गाइस फैब्रिक ले आई सारो और टाइम देख लियो, 2:15 हो गया और के टाइम में लिख रही और फुल जोर की भूख लग रही है, भूख मरदी रोनो आने लग रही है, मतलब अति भूख लग रही है भाई। गोलगप्पा भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और की कौन चाहिए, पर टाइम नहीं है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट, उनका खाना पहुंचाना है जाके, और लाइफ इज सो बिजी, मतलब जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। बुटीक का काम ही किया तो अपन ने डिज़ाइनिंग का, इसको मैं चलाऊंगी अच्छे से, इसके लिए चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरा कोई साथ दे कोई ना दे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं वो वाले तन्नू नहीं रही कि मुझे किसी के कुछ कहने से फ़र्क पड़ेगा या फिर किसी के छोड़ के जाने से फ़र्क पड़ेगा, नो, आई कैन मैनेज माई सेल्फ वेरी वेल विदाउट एनी वन। भगवान ने जब बाप ही छीन लिया, बाप के बिना मेरा काम चल रहा है, तो लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके बिना मर जाएंगे, नहीं, कोई किसी के बिना नहीं मरता, ये सच्चाई है, ठीक है, तो अकेले हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी है जैसा भी है सब बहुत अच्छा है, और ऑल इज वेल, सब अच्छा है, बी पॉजिटिव, ठीक है, अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा, बस यूँ है कि सब कुछ अकेले को करना पड़ रहा है, अकेला फन तो बहुत फील होता है भाई, कभी कभी बता नहीं सकते, अभी अंकित को भी साथ नहीं रख सकती क्योंकि घर है वो माँ कने, मैंने अभी मार्केट में 4 घंटा लग गया, बाओ गए बाद में माँ की भी चिंता हो रहा है भाई, बीपी लो है जो ज़्यादा है जो कम है जो जो भी है, तो कन्या कोई चाहिए घर, एक लोग कौन छोटा में ज़्यादा देर माने, एक जने घर रह ही रह जाए, मैं रहूँ चाहिए कोई रहो, पर मेरा काम ही सो है क्योंकि मन दूसरे दिन मार्केट में निकलना ही निकलना, जल्दी गुजरात का ही राउंड लगाना पड़ेगा, एक ही साथ सारा स्टॉक उठाना पड़ेगा, या महंगा भी बहुत मिलता है भाई स्टॉक, फिर लोग यूँ बोलते हैं कि रेट महंगी है, क्या करें, दिक्कत ये आ रही है ना, हमें महंगा पड़ रहा है इसलिए हम लगा रहे हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और टाइम हो गया, वाओ बत्ती खुल गई फाइनली, बस अब गाड़ियाँ हो की तो किए शौक मिट गया, और लंबी गाड़ी ले ले मार्केट में आनो नहीं, बिल्कुल ही सिस्टम बिरोन हो जाए, अभी मैं ईओन जो है पापा वाली भाई रखे करो मेरी गुड लक गुड चाम, मार्केट में पता है कि लंबी गाड़ी बहुत इरिटेशन हो, उनने मोड़ दो चर चर बारी मोड़ दो, छोटी गाड़ी जब तेरी मोड़ लिया, और अब ईओन ही रखेंगे, जूस पीने को जी करे, पहला जूस पी लूँ बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, घर ले ही जाए को नहीं, अभी आज़ाद नगर क्या हुआ बताओ, ठीक है, तो जो भी है मक्का को कोई उर्ला पास जूस आ गई कौन मरे, से मर जो आदमी भूख मर, ठीक है गाइस घर जार कॉन्टेक्ट करूँगा थारू बल्लो के, जार दिखाना पड़ी फैब्रिक वगैरह की है, और एक दो सूट कुंडू के बेचने हैं, उसके लिए फैब्रिक लिया है, उसकी भी डिमांड आई है, मुझे ऐसा सूट चाहिए, ठीक है तुझे ऐसा सूट बना के देंगे। तो गाइस देख लो ये कुंडू का सूट निकलेगा अभी, और ये गुड़िया का है अपना ऑर्डर, जो 4 साल की बच्ची है, ऐसे देखने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट उन्होंने लहंगा बनवाया है, वाइट स्कर्ट है, फिर स्कर्ट के ऊपर ये जो प्रॉपर लुक आएगा ना, जब ड्रेस सिल के आएगी तभी मैं आपको भेजूँगी, इस पर इन लेस इन चीज़ों का वर्क होगा प्रॉपर, बोलो
और यो बड़ा फैब्रिक है, नसीब आगे सांस लियो है। रोटी जिमी है, 4 बज गया, टाइम देख लियो। और फिर अभी कपड़ों पकड़ाऊँ सारो टेलर ने आपस में, वो अलग ने देना है, ये अलग को देना है, ये अलग को देना है, तीनों टेलरों को अलग अलग कपड़े भेजने हैं। लफड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक काम चल रहा है भगवान की दया से, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने को तैयार है। और देख लियो भाई, परसा ही है।